अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चिली गाली किचन में। आज हम आपको बताएंगे दही फुल्कियाँ घर में कैसे बनाई जाती है। बनाना बहुत इजी है। इसके लिए मैंने ये एक पाव तकरीबन फुल्कियाँ लिए हैं, मैंने घर में बनाई हुई हैं। इसकी आपको रेसिपी, आप मेरे वीडियो पे जाएंगे चैनल पे, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ये भी बनाना बहुत आसान है। इसके अलावा मैंने ये आधा किलो दही लिया है और ये मैंने एक टमाटर लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया। दो से तीन अदर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसको बारीक गुलाई में काट लिया। ये पुदीने की और धनिया की चटनी है, हरी चटनी। एक अदर मैंने प्याज लिया, उसको भी मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया। एक चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये कुछ पापड़ी है, हम ऊपर सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मीठी चटनी है खुबानी की। चले आए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फुल्कियों का पानी निकाल दिया है, इसके अंदर ये दही जाएगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर जाएगा, चाट मसाला जाएगा। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बाकी चीज़ें मैं बाद में डालती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी घर की, ऐसे लग रहा है जैसे बाजार की होती है। आप घर में हर चीज़ बनाएं साफ सुथरी, आपको बाहर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। जैसे कि आप फुल्कियों को पहले बना के रख सकते हैं, पैकेट में आप पैक करके रख लें, ताकि रमज़ान जैसे ही आए तो आप इजीली बस पैकेट निकाला। बाकी चीज़ें तो घर में मौजूद होती हैं। और दही को फेंट के अच्छे से आप मिक्स करें और दही फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी, और रमज़ान में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा बनाने में। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसके अंदर अब जाएगा टमाटर, प्याज, एक चम्मच हम पुदीने की और धनिया की चटनी डाल देते हैं, ताकि उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। और आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं कि आप घर में इतनी अच्छी बना सकते हैं। आप हमारी रेसिपी से बनाएंगे तो लाजमी है सबको पसंद आएगी। और अगर आप दही का कम इस्तेमाल चाहते हैं तो आप कम दही इस्तेमाल कर लें, अगर ज़्यादा तो आप ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये दही फुल्कियों की फाइनल लुक है। ये देखें मैंने ऊपर से वो मीठी चटनी का भी काट दिया, पापड़ भी हम हल्की हल्की ऊपर डालेंगे। आप अपने हिसाब से जितनी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। ये आप घर में ज़रूर बनाएं और बना के हमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया। अल्लाह।